किसका विजय तिलक होगा, इसके लिए वोटिंग चौथे चरण की खत्म हो चुकी है। हाथ आए आंकड़े, कितने प्रतिशत हो गई वोटिंग और तुलना 2017 की, तो अंदाजा तो लगे कि किसके समर्थकों ने झूम कर वोटिंग की, कहां मामला पिछले बार जैसा ही रह गया और कहां वोटिंग कम हुई। इसके लिए चलेंगे डेटा सेंटर। ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहा, हरदोई जिला एक और महत्वपूर्ण जिला सामने आ चुका है। 8 सीटें हैं, यहाँ भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 बजे तक का प्रतिशत 55.4% वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ आंकड़े जानना नहीं बल्कि उनका कंपैरिजन जानना भी है। 17 और 22 की देखिए, 58.54% हुई थी वोटिंग 17 में और देखिए 22 का आंकड़ा है 55% का हरदोई में। इसके अलावा आप देखिए यहाँ सवाईजपुर की अगर बात करें 60, 63, 61, 68, ये आप नाम देख रहे हैं, मैं जल्दी से परसेंटेज बता रही हूँ। 22 आप देख लीजिए 55, 57, 57, 52, 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। हरदोई जिले की 8 सीटों की बात कर रहे हैं, ये हुई है 5, आगे की सीटें भी आपको बताएंगे और 17 और 22 का कंपैरिजन क्या कहता है ये आप जानेंगे। 5 सीटें आपने जानी, बाकी की 3 पर नजर डाल लीजिए। ये देखिए 62, 54, 59, संडीला, बालामऊ, ये वो सीटें हैं जहां 17 के आंकड़े बताते हैं, 22 में देख लीजिए 58, 52, 52, लेकिन 5 बजे तक का आंकड़ा है। बढ़ेंगे आंकड़े श्रीलता? बिल्कुल आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन किसकी सिरदर्दी बढ़ेगी, किसके समर्थकों ने ज्यादा झूम करके वोटिंग की है? चलिए हरदोई वालों ने कैसे वोटिंग करी है, क्या प्रतिशत कहता है, ये जानेंगे नितिन उपाध्याय से। तो नितिन, आंकड़ों से क्या समझ में आ रहा है, किसके समर्थकों ने बाजी मारी होगी यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, देखिए 55.40% वोटिंग 5 बजे तक हुई है और हरदोई में 8 विधानसभाएं हैं और सबसे ज़्यादा जो कहा जाए वोटिंग परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज है, बिलग्राम मल्लावा सीट पर है और बालामऊ और संडीला सीट पर 52% वोटिंग हुई है। और अगर बात की जाए 2017 की तो 58 वो आंकड़े बता चुके हैं नितिन, आप जल्दी से लोगों से बात करिए, पूछिए जरा कि हरदोई का, तमाम लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या किन मुद्दों पर वोटिंग हुई? देखिए एम्प्लॉयमेंट पे है, डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम पे है, तो हम यूथ हैं तो हमने इस चीज़ को मुद्दा बना करके हम लोगों ने वोट किया है, ना कि यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं हुई है। धर्म की राजनीति नहीं हुई है, आपके कोर इश्यूज पर बात। जी, आप बताइए, आप भी युवा हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हम लोगों ने यहाँ पुनः अपने योगी बाबा जी को चुना है क्योंकि यहाँ यूपी में गुंडा राज, माफिया राज सब खत्म हुआ, यही हम लोग चाहते थे। लॉ एंड ऑर्डर पे आप बात कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे, किन मुद्दों पर आपने वोटिंग किया, क्या नाम है आप? शाहरुख। किन मुद्दों पर वोटिंग? हमारा यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये बस है कि बेहतर जो है ना, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए, यानी फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने पूरे दिन लगातार गहमा गहमी रही, हरदोई में लगातार आज वोटिंग रही है, किन मुद्दों पर आपने वोट? महिला सुरक्षा, विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया। महिला सुरक्षा के नाम पर और विकास के नाम। आप बताइए क्या नाम है आपका? इंदुशेखर। इंदुशेखर, आपने किन मुद्दों पर? मैंने राष्ट्रवाद के और विकास के मुद्दों पे मैंने वोटिंग की। कुल मिला के आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ ही आपको दो तरह के, दो मत के लोग मिल जा रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रवाद, विकास, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी के नाम को एक बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं और उसके नाम पर वोट कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हरदोई की बात की जाए तो एकाध दो छोटी मोटी घटनाएं छोड़ दी जाए तो पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा। पिछले बार 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, एक सपा ने यहाँ से जीती थी, नितिन अग्रवाल हरदोई सदर, और वो भी बीजेपी में आ गए। और इस बार अब देखिए क्या रहता है, लेकिन ये है कि जरूर कई सारी सीटों पर जो यहाँ जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, और ये दिलचस्प मुकाबला है ये तो हमने कांटे की टक्कर में देखा, अभी जो है वो है हमारे पास आंकड़े, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई और इन वोटिंग की तुलना हम 2017 से कर रहे हैं ताकि कुछ तो अंदाजा लगे। इसके लिए जरूरी है हम तुलना करें, अनु के पास चले। ओवर टू यू। बिल्कुल, और स्नेहा आप चलिए जल्दी से रुक करेंगे उन्नाव का, यहाँ की 6 सीटें हैं, शाम 5 बजे तक यहाँ वोटिंग परसेंटेज क्या रहा जान लीजिए, ये 54.12% ये मतदान का आंकड़ा रहा है, लेकिन 17 और 22 के आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आंकड़े तो जान रहे हैं लेकिन कंपैरिजन भी तो जानिए। अब आप देखिए यहाँ 17 में जो सीटें हैं किस तरह से, उन्नाव सदर में 60%, भगवान नगर में 57, 62, पूर्वा में 22 पे आ जाइए, यहाँ देखिए 51, 56, 57, 5 बजे तक के आंकड़े हैं। और सीटों पर नजर डाल लेते हैं, 17 में और कौन सी सीटें,
ये है बांगरमा 59, मोहान में 62, सफीपुर में 60, 22 पर आ जाइए 51, 56, 52, ये 6 सीटें रही हैं। 5 बजे तक का ये आंकड़ा आपको बता दिया है। ओवर टू यू स्नेहा। बिल्कुल, और अब इन आंकड़ों के मायने निकाले अनु, इसीलिए रुक करते हैं हम रतीश का। सुबह 6 बजे से लगातार लोगों से बातचीत की है। रतीश, क्या लग रहा है आंकड़ों से, किसके समर्थकों ने यहाँ बाजी मारी होगी, कौन झूम करके वोटिंग किया और कौन रह गया पीछे? देखिए, आज मतदाताओं का दिन था और दोनों तरफ के समर्थक निकले हैं। सभी समर्थक निकल करके अपनी वोट अपने वोट को कास्ट करे हैं और तमाम मतदाता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिना देर किए सभी मतदाताओं के पास जाते हैं क्योंकि साहित्यिक नगरी उन्नाव में आज जबरदस्त उत्साह देखा गया है वोटरों के बीच में। बताइए मुद्दा, बताइए किस मुद्दे पर आपने मुद्दा? विकास, शिक्षा, चिकित्सा। आप मुद्दा बताइए। देश प्रदेश और अपने जिले में विकास को और आगे बढ़ाने के मुद्दे पर वोट किया है। आपने किन मुद्दे पर? ये मेरे प्रदेश के विकास के मुद्दे। आप बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था। आप बताइए भाई साहब। देखिए, जो सुशासन हुआ है हमारे प्रदेश में और जो राम मंदिर बना है, उस विषय में हमने वोट दिया है और किसी विषय में वोट नहीं दिया। शिक्षा व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में हमने मतदान किया। आप बताइए आपका मुद्दा क्या? हमने प्रदेश की सुरक्षा के। आप बताइए। हमने तो विकास पे वोट दिया है। सर, हमने देश का विकास और धर्म की रक्षा के लिए वोट दिया। आप बताइए भाई साहब। ये देश की जो है धर्म की रक्षा के लिए किया है, देश की रक्षा। आप बताइए। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जिस तरह युवा बेरोजगार परेशान है, बेरोजगारी रहा मुद्दा आपका? किसानों का मुद्दा रहा, किसान परेशान है, किसान काफी परेशान हुए। भविष्य के लिए बदलाव और भविष्य की भी आवाज आ रही है। आप बताइए जी, क्या इस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? 5 साल बाद मौका मिला है और हथौड़ा है वोट के, जो ने सही जो नगर कील कांटा है तो सही करे लिए। उन्नाव की जनता बदलाव चाहती है। हमने धर्म के लिए बीजेपी को खुला समर्थन दिया। आप बताइए दादा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कौन से मुद्दे पे? लोकतंत्र में वो हथौड़ा है कि सभी कील कांटा ठीक करने की जरूरत पड़ती है। क्या बात कही है आपके साथ जो लोग मौजूद थे रतीश, आप उनसे बात करते रहिए क्योंकि हम फिर रुक करेंगे। और अब फिर से बात कर लेते हैं उन आंकड़ों की, वोटिंग परसेंटेज की और उनके कंपैरिजन की। इसके लिए चलेंगे अनु के पास। ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहा, एक बड़ा जिला है, महत्वपूर्ण जिला सीतापुर, 9 सीटें आती हैं, लेकिन 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज देखिए 58.3%। 5 बजे तक वोटिंग यहां सीतापुर में हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 17 के मुकाबले ये आंकड़े कैसे हैं, 5 बजे तक का आंकड़ा क्या कहता है 2017 के मुकाबले, ये जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीतापुर में, जहां 2017 में तकरीबन 61% हुआ और इस बार 5 बजे तक 52%। आप देखिए एक एक करके कंपैरिजन समझिए। महोली में जहां तकरीबन 68% हुआ और इस बार यहां 59% है। पिछली बार यहां हर गांव में आप देखिए 71 और इस बार देखिए 59। एक एक करके समझते जाइएगा। लहरपुर में जहां ये 67% रहा, इस बार 52% है। पिछली बार बिस्वा में तकरीबन 72% वोटिंग हुई, इस बार 57 है 5 बजे तक का। और आगे बढ़ते रहेंगे और ये सभी टैलीज आप देख रहे हैं। 9 सीटें हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार हमारे रिपोर्टर से भी जान रहे हैं मौके का हाल। स्नेहलता आपके पास। बिल्कुल अनु, और बिना वक्त गवाए इन आंकड़ों के सहारे क्या समझ आ रहा है, ये हम पंकज सिंह गौड़ से समझेंगे क्योंकि वो 6 बजे से समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि किसके समर्थक किस बूथ पे बहुत निकले हैं, कहां थोड़े पीछे रह गए। पंकज, क्या पता चल रहा है, जरा पूछिए लोगों से। देखिए स्नेहलता जी, आपको सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे, ये वही वाहन है जिसमें जो है सीतापुर के 96 मतदाताओं जो प्रत्याशी थे, उनकी किस्मत कैद होकर के अब ये जा रही है ईवीएम मशीनें। और आपको बता दें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हम कहेंगे अपने दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में ये ईवीएम मशीनों को ले जाने की यहां से कार्रवाई की जा रही है और मतदान केंद्र से अब ईवीएम मशीनें रवाना हो रही हैं। और ये हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यही वाहन है जिसमें कुछ ही देर पहले ईवीएम मशीनों को सील कर ले जाया जा रहा है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। सुरक्षा घेरा इतना सख्त है कि देख सकते हैं आप सीआईएसएफ के जवान इसी वाहन पे बैठे हुए हैं और अब ये वाहन सीतापुर से यहाँ से रवाना हो रहा है, यानी मतदान केंद्र से, और ये अब एसीसी में पहुँचेगा और अब से कुछ ही देर पहले मशीनों को सील कर इसी वाहन से ले जाया जा रहा है। सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 96 प्रत्याशी जिनके भाग्य को आज मतदाताओं ने ईवीएम में कैद करके रख दिया है। और सबसे बड़ी आज जो दिक्कत आई है वो एक जगह
जो है मतदान का बहिष्कार हुआ था, जो देर रात तक अभी भी नहीं वहाँ करा पाया प्रशासन। बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी बनती थी समझाइश की, और कम से कम वोट जरूर कास्ट होना चाहिए था, ये अच्छी तस्वीर नहीं रही। लेकिन बावजूद इसके कि हमने देखा किस तरीके से भाग्य विधाता बन करके वोटर्स ने अपना फैसला कैद कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वोटिंग प्रतिशत और उसकी तुलना के लिए रुख करेंगे अनुका। बिल्कुल स्नेहा, बांधा की तरफ अब रुक कर लेते हैं। बांधा की 4 सीटें, 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जल्दी से रखेंगे अपने दर्शकों के सामने, और ये परसेंटेज कहता है कि 5 बजे तक यहां वोटिंग हुई है 57.48%, 5 बजे तक का ये आंकड़ा। लेकिन सबसे जरूरी 17 और 22 का आंकड़ा जानना जरूरी है। आप देखिए इन 4 सीटों पर क्या 17 के आंकड़े कहते हैं और 22 के, जल्दी से रुक करेंगे। बांधा 60, नरेनी में 7.8 और बबेरू में आप देखिए तकरीबन 59 और तिंदवारी में, माफ कीजिएगा, ये 59.8%। 22 देख लीजिए 61 और 58 और 56, 5 बजे तक का आंकड़ा, 6 बजे तक का अपडेट देंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ें, मुद्दे जाने क्या सोचकर यहां वोटर्स ने वोट कास्ट किया है, क्योंकि आंकड़े देखकर तो लगभग हम समझ सकते हैं स्नेहलता कि आंकड़े कहते हैं कि लगभग उतना ही परसेंटेज रहा है वोटिंग का, लेकिन 6 बजे तस्वीर बदलेगी या नहीं देखेंगे। स्नेहलता, ओवर टू यू। बिल्कुल अनु, कोई लहर रही या अंडर करंट रहा, लोग बदलना चाहते या कुछ नहीं बदलना चाहते, किसके साथ चलना चाहते हैं, आंकड़े कुछ तो इशारा करते हैं। हम चलते हैं अभय निगम के पास। सुबह 6 बजे से अब तक उन्होंने खूब भापा है, लोगों से खूब बातचीत की है, वोटिंग प्रतिशत के आधार पर क्या लग रहा है अभय, किसके समर्थक हैं ये जिन्होंने झूम कर वोटिंग करी है? जी आपको बता दें कि वोटिंग की उम्मीद जितनी ज़्यादा की गई थी, हालांकि उतनी ज़्यादा वोटिंग तो नहीं हुई है जनपद में। जिला प्रशासन ने 75+ का अनुमान लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह से बहुत उत्साह दिखाया मतदाता में, जो शाम को आगे थोड़ा सा ठंडा हो गया था। लेकिन उन्होंने क्या सोच के वोट दिया है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं उनके? जी जी, क्या नाम है आपका? जी कुलदीप पांडे। कुलदीप जी, क्या सोच के इस बार वोट दिया? राष्ट्र को देखते हुए हमने वोटिंग की है, राष्ट्र के धर्म को देखते हुए। आपने? मेरा नाम राजेंद्र अवस्थी है, मैंने राष्ट्रवाद और विकास को देखकर वोटिंग की है और तुष्टिकरण को देखकर। आपका? सर मैं अनु त्रिवेदी, और हमने जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए भयमुक्त समाज के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ही आज का जो मतदान किया है वो इसीलिए किया है। आपने? हमने भी देखा है यहाँ पर कि जो पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हुआ है, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए हमने वोटिंग करी। आपने? सर महंगाई बेरोजगारी के लिए वोटिंग की। महंगाई बेरोजगारी के लिए? जी। आपने दादा? सर मैं राजू तिवारी, मैंने महंगाई और भ्रष्टाचार को उसमें वोटिंग की। आपने? महंगाई मुद्दा हमारे लिए है, इसलिए वोटिंग की। जी, तो आपने यहाँ पे देखा है कि ज्यादा तक लोग महंगाई और राष्ट्रवाद और बेरोजगारी को लेके मतदान किया है इन्होंने। बिल्कुल, यही है, यही तो इस बार के चुनाव में लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर तरीके के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत भी पिछले बार से कुछ बहुत ज्यादा बूम नहीं कर रहा है, इसी को समझने की हम कोशिश में लगातार बने हैं, जमीन पर आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो विजय तिलक किसका होगा चौथे फेज के लिए? वोटिंग तो खत्म हो गई है, अब वोटिंग परसेंटेज हमारे हाथ है, मतदान प्रतिशत का जो एक एक आंकड़ा है वो हमारे आपके सामने रखा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जमीन से जुड़े हैं और लगातार समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके समर्थकों ने ज्यादा जोश के साथ आज वोटिंग की है, जो आंकड़े हमारे आपके सामने रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए रुक करते हैं राजधानी का, लखनऊ का, जहां हमारे सहयोगी शैलेश मौजूद हैं। तो शैलेश, इस बार अगर इस चरण के वोटिंग प्रतिशत को देखें और तुलना करें 17 से, तो क्या समझ आता है? देखिए, इंतजार है उस एक घंटे के वोटिंग परसेंटेज का जो अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि 5 बजे तक की अगर वोटिंग देखते हैं और उसको हम 2017 से मिलाते हैं तो वोटिंग परसेंटेज कम है। पिछले कई विधानसभा चुनाव में 60% का आंकड़ा भी नहीं छुआ है वोटिंग परसेंटेज ने लखनऊ में, जो राजधानी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 5 बजे तक की वोटिंग जो लगभग 55% है, 55% से कुछ ऊपर, वो क्या पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ पाती है नहीं, क्या फर्स्ट डिवीजन से लखनऊवासी पास होंगे या नहीं। बहरहाल लोगों से बात करते हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। सर आप करें। मैं डॉक्टर टिक्कू हूँ। सर ये बताएं किन मुद्दों को ध्यान में रखें वोटिंग? देखिए हम तो, मैं आपको बताऊं, मैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में था 3 दिन से, और लेकिन मेरा ध्यान यहाँ लगा था वोटिंग पे। मैं बहुत मुशक्कत करके आज किसी तरह 4 बजे पहुँच के मैंने वोट डाला,
क्योंकि वोटिंग राइट एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस आप पार्टी को आप चाहते हैं, जिससे आपको अपेक्षा है कि आप वो आप जानते हैं कि वो डिलीवर करेगा आपकी आपके हिसाब से, उसको वोट देने के लिए वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना सबसे ज़रूरी है। और हम तो ये जानते हैं कि भाई देखिए, लखनऊ है, कैपिटल सिटी है यूपी की, और यहाँ तरक्की हो, यहाँ पर खुशहाली हो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, और मेट्रो आए और स्मार्ट सिटी बने और गवर्नेंस अच्छी हो, हम लोग तो यही चाहते हैं। हम तो यहाँ के हम बात अपने वोट के लिए बाहर थे, वापस लखनऊ आए। मैम आपका नाम? मैं तृप्ति। मैम आप बताएं किन बातों को ध्यान में रखे वोट? मैं तो यहाँ 1981 में आई थी लखनऊ में, और तब से आज तक बहुत ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस देखा है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर में। बिकॉज तब हम लोग को हज़रतगंज से अगर हॉस्टल जाना होता था 6 बजे भी तो बहुत डर लगता था, मगर अब मैं देखती हूँ लड़कियाँ काफ़ी बोल्डली रात को भी ट्रैवल करती हैं, तो यही मैं चाहूँगी कि कंटिन्यू करें। जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर, सर आपका नाम? सिद्रत अंसारी। सर क्या ध्यान में रख के वोटिंग की आप? हमने ये देखा आजकल ये इलेक्शन सिर्फ मुद्दों पर था, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, कम्युनल हारमोनी, डेवलपमेंट, सब इन पर था, तो इन्हीं को गौर करके जो सबसे अच्छा लगा उसके लिए। देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? परी। क्या करते हैं आप? मैं डिज़ाइनिंग। क्या ध्यान में रख के वोट किया है? मैंने तो मेनली माय कंसर्न वाज कि फीमेल्स की सिक्योरिटी हो, और उत्तर प्रदेश जैसे जाना जाता है क्राइम्स के लिए बहुत ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुश्कात है। आपने क्या ध्यान में रखे वोट किया? मैं जब से 18 साल का था तब से मैंने तीन ही चीज़ हमेशा ध्यान में रखी है, एक तो डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा। बिल्कुल आप बात करते रहिए। देखिए इसी से अंदाजा लगता है कि मुद्दों की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन हमारे सहयोगी रतीश का रुख करते हैं, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। रतीश जरा और बात कीजिए ना, क्योंकि साफ नहीं हो पा रहा है लोगों से बातचीत करके, हर एक मुद्दे आवी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आज जनता जनार्दन का दिन है, मुद्दों का दिन है, और मुद्दों की हकीकत को जानने के लिए कुछ लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए क्या मुद्दे रहे, आप आगे आइए जरा, पहले बताइए किन मुद्दों पे आपने वोट किया है आज? हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर, और ये पार्टी जो हमने बीजेपी को, आपको विकास नहीं चाहिए? विकास विकास हो रहा है, पूरे देश में सड़कें बन रही है, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। आप बताइए दादा, आप बताइए। गुंडा राज खत्म हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में। और आगे आप आइए, हटी आप बताइए। हमारे पास तो एक ही मुद्दा है कि जो है गुंडैती खत्म हो गई, विकास रहा, और विकास के अलावा जो है उन्होंने हर धर्म के लिए, कोई भी गरीब भूखा नहीं रहा। अच्छा, आप बताइए दादा इधर। हम बीजेपी गवर्नमेंट चाहते हैं, बीजेपी ने विकास किया है, देश का विकास किया है, देश अगर है तो सब कुछ है, हिंदुत्व पे वोट कर किया गया है यहाँ का, और हम बीजेपी चाहते हैं। आप बताइए दादा, आप खड़े हुए बताइए। जी मैंने जो है अपना जो वोट दिया है वो आज के परिवेश को देखते हुए, जिस प्रकार से जो है जो देश, बताइए मुद्दा, मुद्दा हमारा ये रहा देश को, उन्होंने जो है समझ सारे जो है लोगों को, सारी जातियों को लेकर के वोट दिया। बिल्कुल रतीश, देखिए अब फिर से जो राजनीतिक गुरु और पंडित हैं वो अपने अपने सिर पे जोर देंगे कि क्या समझे, हर तरीके के मतदाता दिखाई दे रहे हैं। मतदान प्रतिशत में जो अपडेट होगा एक घंटे में वो भी हम दर्शकों तक रखेंगे, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार 51 सीटों का तोहफा शगुन दिया था इसी जनता ने, इस बार दो तरीके के मुद्दे भी दिखाई दे रहे हैं, कोई बेरोजगारी तो कोई सुरक्षा कह रहा है। आप सभी का शुक्रिया, सुबह 6 बजे से लगातार फील्ड से आपने हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, आप सभी का शुक्रिया। इसके साथ हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी पूरी कोशिश रही कि आप तक हम हर एक अपडेट पहुंचाते रहे। हमारे सहयोगी अनु भी हमारे साथ जुड़ी रही, आपका भी शुक्रिया अनु, बड़ी एनर्जी के साथ आपने सारे डेटा और एनालिसिस को हमारे दर्शकों के सामने रखा है।